हेलो, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और अभी मैं छत पे आई हूँ और छत पे ना बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अभी जा रही हूँ मैं पानी भरने के लिए, जो सप्लाई का पानी आती है ना वो, तो अभी बाल्टी है सब, ये पानी भरने जा रही हूँ मैं। और सारा कपड़ा सूख चुका है। सारा कपड़ा सूख चुका है और अभी मैं उठाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अब धूप भी जा रहा है। और आज मैं सूखने के लिए हल्दी डाली थी। अभी धूप है तो मैं धूप के सामने बैठी हूँ, और आज मैं हल्दी डाली थी सूखने के लिए। तो उसको मैं, जो ओखली होती है ना, उसमें मैं कूच ली थी और उसको मैं धूप दिखा दी हूँ। और उसके बाद अभी चलिए मैं नीचे चलती हूँ, सारा कपड़ा लेकर नीचे। और अभी हल्दी को पीसना है और मैं स्टोर कर लेती हूँ हल्दी को, कम से कम 4 महीना, 3 महीना, 4 महीना तो चलती है हल्दी। और मैं ऐसे ही सूखी जो हल्दी रहती है ना, उसको ही ले आती हूँ दुकान से और घर में पीस लेती हूँ मिक्सर मशीन में। तो बस यही हल्दी मैं खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि हल्दी ओरिजिनल पैकेट में नहीं रहती है और थोड़ी धूप लग रही है। तो मैं चलती हूँ नीचे और कपड़ा मैं ले लेती हूँ, उठा लेती हूँ मैं कपड़ा। और ये देखिए, मौसम भी पूरा साफ सुथरा है, अच्छा मौसम है, बट थोड़ा ठंडा बड़ा हुआ है। और सामने से मंदिर भी दिख रही है। मंदिर ना रिपेयरिंग होगा, ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, तो वो अभी पूरा रिपेयर होगा। वहाँ पे पूरा बांस ये सब गड़ा हुआ है। जितना भी जो गर्म कपड़ा रहता है ना, मैं दिन भर केवल धूप में डाल देती हूँ, और गर्मा गर्म कपड़ा तो पहनने में मज़ा आता है। और ये सब सब डाला हुआ है, और ये मेरा जूता, तो मैं सबको धूप में सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं पहनती हूँ। और ये देखिए, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं जो कपड़ा छत से लाई थी उसको आयरन करके प्रेस करके रख दे रही हूँ। और ये यहाँ पे मुझे परेशान भी कर रही है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब कुछ खाने का सामान। तो वही मैं अपना काम समेट रही थी। और आगे देख लीजिए, ये